अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने नागपुर के 2 दिवसीय दौरे पर है। इसी के तहत शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू के विदर्भ प्रांत और अखंड भारत दिवस के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। समारोह में बोलते हुए प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि हिंदू संकट में है। पाकिस्तान मदरसा और मस्जिद में पढ़ने वालों को छात्रों को पाकिस्तान में 3 संस्थानों की माताओं द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, जिसके चलते तालिबान का गठन हुआ। इनका मूल भारत से है, भारत की यूपी के हरिद्वार समेत अन्य जगहों पर रहते हैं। आज उन्हें तबलीगी जमात है, वो तबलीगी जमात नागपुर में भी है, ऐसा उन्होंने इस वक्त कहा। जबकि पाकिस्तानी महिलाएं 70,000 तालिबानी पैदा कर अमेरिकी सेना को भगा सकती है, तो भारत में 70 करोड़ तबलीगी जमात है, इसलिए इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ऐसा उन्होंने इशारा दिया। गाँव का टूटते हुए मंदिर का, कटती हुई गायों का और बहन बेटियों का अपहरण का इतिहास है और यह संघर्ष के दौरान जिन्होंने हिंदू गौरव के लिए, हिंदू रक्षा के लिए आवाज उठाई, वह छत्रपति शिवाजी महाराजों के, संभाजी महाराजों के महाराज